हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले एक और नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली लॉन्च होने ही वाला है भाई। बहुत टाइम से इस फोन को लेकर के न्यूज निकल के आ रही है कि इस महीने लॉन्च होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली जनवरी 2022 के महीने में ये वाला स्मार्टफोन आपको इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। और कल इस स्मार्टफोन से जुड़ी सारी स्पेसिफिकेशंस एंड कुछ लाइव इमेजेस भी इस स्मार्टफोन की लीक हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, ओवरऑल कैसा रहने वाला है फोन, सारी चीज डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, लेकिन बातचीत को स्टार्ट करने के पहले छोटी सी मन की बात कर लेते हैं। अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वहां पर अपन लाइव सेशंस करने वाले हैं, वहां पर गिव अवेज करने वाले हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इंस्टाग्राम का। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जाकर के इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। एंड टेलीग्राम चैनल, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको रिसेंट न्यूज, डील्स, सारी चीजों के बारे में पता पड़ेगा। सो यस, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, अगर आपने दोनों अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं तो प्लीज 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 डू ज्वाइन। स्टार्ट करते हैं भाई फोन के बारे में बातचीत को, और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो एज यूजुअल यहां पर आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलने वाला है, प्लास्टिक का बैक रहेगा, मेटल का फ्रेम यहां पर आपको मिलेगा एंड फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 या 6 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। सो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको बढ़िया मिलने वाली है, बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। जो प्लास्टिक भी रहता है, अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया जाता है एस सीरीज में, बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। डिजाइन की अगर बात करें तो गुड लुकिंग फोन है। बैक पैनल में अगर बात करें तो टॉप लेफ्ट में आपको रेक्टेंगल शेप कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग है। LED फ्लैश आपको मिल जाता है, नीचे की तरफ सैमसंग की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। फ्रंट में अगर बात करें तो छोटा सा पंचोला आपको देखने के लिए मिलता है, पतले पतले से बेजल्स हैं, पतली सी चेन आपको देखने के लिए मिलती है। एंड कलर्स की अगर बात करें तो व्हाइट कलर में, लेवेंडर कलर में, क्रीम कलर में एंड ब्लैक कलर में, 4 कलर्स में आपको फोन देखने के लिए मिलने वाला है। दिखने में फोन काफी अच्छा है एंड बिल्ड क्वालिटी भी यहां पर आपको काफी अच्छी मिलती है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। 6.4 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आएगा। सेंटर पंचोल वाला सुपर एमोलेड पैनल आपको मिलने वाला है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो रहेगा, 411 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन मिलेगा, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलेगा। डिस्प्ले क्वालिटी कंटेंट वॉचिंग के लिए सॉलिड रहने वाली है, डिस्प्ले में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर आपको मिलेगा, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले का साइज भी काफी अच्छा है। ओवरऑल डिस्प्ले कॉम्पैक्ट है, कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बढ़िया है, गेमिंग के लिए भी बढ़िया है। डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये वाला जो स्मार्टफोन है, लाइक दूसरी एस सीरीज, 2 वेरिएंट्स में लॉन्च होगा, 2 प्रोसेसर वेरिएंट्स में लॉन्च होगा। इंडिया में एक्सिनस 2100 के साथ में आएगा। ग्लोबली ये फोन आपको स्नैपड्रैगन 888 के साथ में मिलेगा। दोनों ही प्रोसेसर बढ़िया प्रोसेसर हैं, दोनों की परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। दोनों ही प्रोसेसर 5 नैनोमीटर पर बने हुए प्रोसेसर हैं। सो यस, परफॉर्मेंस आपको दोनों वेरिएंट में बढ़िया मिलने वाली है। इंडिया में एक्सिनस 2100 वाला वेरिएंट मिलेगा। ये जो फोन है गीकबेंच पर ऑलरेडी लिस्ट हो गया है एंड इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म कि एक्सिनस 2100 इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। बढ़िया चिपसेट है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। LPDDR5 RAM के साथ में UFS 3.1 वाला स्टोरेज मिलेगा। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है, बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। कैमरास की बात करते हैं, 3 कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलेगा, जहां पर प्राइमरी कैमरा रहेगा 64 मेगापिक्सल्स का, उसी के साथ में 12 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रहेगा एंड 5 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर रहने वाला है। इस फोन के अंदर आपको टेलीफोटो सेंसर नहीं दिया गया है एंड दिस इज अ ड्रॉबैक, क्योंकि भाई टेलीफोटो लेंस इस प्राइस पॉइंट पर दिया जाना चाहिए, 5 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर, आई डोंट लाइक दैट। सो यस, यहां पर जो कैमरा सेटअप है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 60 FPS पर। फ्रंट में अगर बात करें तो 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड सेल्फी कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 60 FPS। कैमरा मॉड्यूल अच्छा है, लेकिन अगर टेलीफोटो और होता तो एक और अच्छा कैमरा मॉड्यूल रहता भाई। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको डिसेंट कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में बैटरी की अगर बात करें तो 4500 mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी का साइज डिसेंट है, आई वोंट से कि बहुत अच्छा है, आई वोंट से बहुत खराब है, डिसेंट बैटरी साइज यहाँ पर आपको मिलता है। एंड
चार्ज करने के लिए सुपर फास्ट 15 वॉट की चार्जिंग यहां पर आपको मिलती है। आई मीन आई डोंट गेट दैट, जब सैमसंग के पास में टेक्नोलॉजी है 45 वॉट की, 25 वॉट की, तो क्यों इतने अच्छे फोन्स में 15 वॉट की चार्जिंग दी गई है? 15 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा? बॉक्स में चार्जर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो शिव ही जानता है भाई, या सैमसंग जानता है। तो यस, बैटरी मॉड्यूल मेरे हिसाब से इस फोन के अंदर आपको वीक मिलने वाला है, बैटरी का साइज भी थोड़ा कम है एंड फास्ट चार्जिंग बहुत कम है, बैटरी यहां पर आपको एवरेज मिलने वाली है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, 3.5 mm जैक यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करें तो यहां पर आपको अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको मिल जाएंगे एंड सिक्योरिटी प्राइवेसी की अगर बात कर ही रहे हैं तो नॉक्स की सिक्योरिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, उसी के साथ में अल्ट जी लाइफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सैमसंग पे का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो यस, सिक्योरिटी प्राइवेसी में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। इसके बाद में सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलेगा वन यूआई 3.0, ये वाला जो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 12 पर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा, ये चीज कंफर्म है, ये फोन आपको एंड्रॉइड 11 पर मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहने वाला है, कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। उसी के अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे तो ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पर बढ़िया रहने वाली है। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करें तो कार्ड स्लॉट आपको इस फोन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब वेरिएंट्स की अगर बात करें तो ये वाला जो स्मार्टफोन है आपको दो वेरिएंट्स में देखने के लिए मिल सकता है, 6+128 एंड 8+256, एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक बीच वाला वेरिएंट भी आपको मिले 8+128। प्राइस पॉइंट को लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक निकल करके नहीं आई है, लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई कि स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए आपको क्या लगता है सैमसंग इस स्मार्टफोन को किस प्राइस पॉइंट पर लाएगा। आई थिंक 45,000 के ऊपर ही जाने वाला है। नाउ सैमसंग नोस एंड शिव नोस, सो यस आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगता है आपको स्मार्टफोन, क्या प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।